हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम अभी देख रहे हैं वो है, अब मेरे को पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, पर लग तो ऐसे रहा है, लिखा है थाके सिनोरा हमारा छठ सॉन्ग। तो ठीक पड़ा है क्या? मुझे पता नहीं, मतलब थाके थाके और तुम्हारे, मतलब थाके तुम्हारे, हाँ सिनोरा सिनोरा हमारा छठ छठ सॉन्ग। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो और आप सबको छठ की बहुत बहुत मुबारकें। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। कॉफी। क्या हुआ, तुम कुछ लिखे बनाए? मैं बना रहा हूँ। अच्छा, डू यू रिमेम्बर छठ का एक अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग है ना, जो हमेशा छठ के वक्त वो लोग प्ले करते हैं। छठ की कितनी सारी यादें हैं ना। अच्छा, इस साल छठ का क्या होगा? छठ दादी करती थी, अब तो दादी रही नहीं, तो शायद बड़ी माँ करेंगी या कोई भी बड़ा करेगा। और अगर अगर कोई भी छठ नहीं किया तो? तो छठ नहीं होगा। ईश्वर, हम लोग यार हमेशा ऐसे नानी दादी इन लोग पे क्यों डिपेंड करते हैं छठ के लिए? I mean, can't we do it? हम लोग भी कर सकते छठ, तुम हम, like our generation। छठ कोई मजाक नहीं है, it is a huge responsibility। तुम्हें पता भी है छठ कैसे होता है, क्या करना होता है? I know all that। हाँ, it's a huge responsibility। Like we have to take it forward। अच्छा, छठ का गाना बनाए। ऐश्वर्य। छठ करें। सजाईदा तू हमरो सपनवा,
आसरा लगावतम तोहरे करनवा रची रची घाट हम सजौनी होखे जियाओ जिया होखे जियाओ जिया अचरा में भरलो सनेहिया तहके सिनुरा हमार तहके सिनुरा हमार फेस्टिवल के बारे में कोई आइडिया नहीं था और जैसे आपने कहा था कि आपको नहीं पता चलेगा पीछे के ये वीडियोस देखो तो सॉरी वो वीडियोस तो नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने सारे और रिक्वेस्ट है वो सब नाराज होते जा रहे हैं कि आपने हमारा नहीं किया तो कोशिश हमने मेरी यही थी कि आपका एक वीडियो तो जरूर देखें तो आज देखा और बहुत ही सुंदर था। कंफ्यूजन ये हो रही है कब लग रहा था जैसे करवा चौथ होता है उसी टाइप का सिमिलर लग रहा था और सिंदूरा मतलब वो सिंदूर बोले थे शायद वही और उसमें यही दिखा रहे थे कि पूजा कर रहे हैं अपने हस्बैंड की शायद लॉन्ग लाइफ के लिए पर जो दूसरी आपने वीडियोस जो करी हैं रिकमेंड वो अकेले में देख के पता करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा था कि एग्जैक्टली क्या है ये फेस्टिवल और यही है ना इंडिया की ब्यूटी ये है कि इतने सारे फेस्टिवल्स और इतने अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं धूमधाम से कि आपको पता ही नहीं कहाँ पे कौन सी जगह पे कौन से फेस्टिवल्स हो रहे और इतने सुंदर सुंदर हैं सब और कईयों में कितनी सिमिलैरिटी है जैसे इसमें आपने देखा कि वैसे ही वो जो जल है वो डाल रहे हैं और करवा चौथ में भी वैसे ही होता है और करवा चौथ में आप प्लेट को घुमाते हो थाली जो होती है उसको करते हैं यहाँ पे जो थी वो खुद गोल गोल घूम रही थी बीच में और इसमें सबसे अच्छा उसने दिखाया कि हम लोगों के में करवा चौथ में वाइफ पैर छू रही होती है यहाँ पे हस्बैंड ने पैर छुए तो काफी सिमिलैरिटीज दिखी हैं पर बहुत ही सुंदर था मजा आ गया देखने में और गाना और म्यूजिक फैंटास्टिक समझ ना भी आए तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो बहुत ही अच्छा वीडियो था। शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी कि
कॉन्सेप्ट यही था, जैसे हमारे घरों में भी होता है कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई रिचुअल हो तो यही बोलते हैं कि नानी करेगी, दादी करेगी, वही शुरू करती है हर काम। हम तो सिर्फ बैठ जाते हैं और वहाँ आराम से उनके साथ देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम कंपैरेटिवली टू देम हम बच्चे हैं, तो बचपन से जब नानी दादियाँ कर रही होती है तो हमें बस हमारा काम बस ये होता है कि खेलते फिरते रहो, फिर वो जो चिल्लाएं आ जाओ बैठ जाओ, जो भी काम करना है करो और फिर भाग लो। तो ये अच्छा था कि उन्होंने बोला कि उन्हीं पे डिपेंड क्यों करें, हमें खुद भी करना चाहिए। तो और उसी लिए कहा कि उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि किसी भी रिचुअल को सही तरीके करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे दिखा रहे थे वो जो स्टिक्स लेके आ रहे थे, पता नहीं गन्ने थे या नहीं थे, गन्ने थे और पूरा जो उनको सामग्री इकट्ठी करनी पड़ रही है, एग्जैक्टली आपको दिए लगाने पड़ रहे हैं, जो भी प्रोसेस है कितनों को याद है एग्जैक्ट प्रोसेस, तभी वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और उन दोनों ने मिलकर पूरा किया है, और ऑफकोर्स ये दोनों सिंगर्स हैं तो उन्होंने गाना भी बनाया और गाना भी सिंग किया, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिशन दिखाया है और मैसेज भी बहुत अच्छा था। और हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ट्रेडिशन के बारे में, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा देख के, इट्स अमेजिंग ट्रेडिशन। और वो यही कह रहे हैं कि क्यों डिपेंड करते हैं हम एल्डर्स पे, फिर अल्टीमेटली ये कि आप पे आता है, अगर आप चलाते रहे तो चलता रहेगा, उसके बाद आपके बच्चे भी करते रहे। तो बहुत ही अच्छा गाना था, वेरी नाइस ट्रेडिशन, तो बहुत अच्छा लगा। और आपके जब कमेंट्स आएंगे तो हमें और पता लगेगा इसके बारे में, ये कहाँ का कौन से जगह का ये ट्रेडिशन है और किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।